आपके भी बैक फैट हो चुका है और आपको भी लगता है कि आपके पीछे आपको डंबल से दिखाई देते हैं। जब आप ऐसे करते हो तो हाथ में बेलन की तरह आने लगते हैं। इसके साथ ही अपर बॉडी के ऊपर भी फैट है, यहाँ पे फैट है, शोल्डर में फैट है, आर्म फैट है, इन सारे फैट को एक साथ आपको खत्म करना है। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज आज से ही करना शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। कुछ लोगों के मैंने देखा है कि उनका सिर्फ अपर बॉडी हैवी होती है, अपर बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। क्यों होती है अपर बॉडी हैवी? देखिए, जब भी हमारे हार्मोन इंबैलेंस होते हैं या आप मीठा ज्यादा खाते हो, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें गर्म चीजें पसंद नहीं होती, वो हमेशा ठंडी चीजें खाते हैं, ठंडा पानी हो गया, ठंडा दूध हो गया, ठंडी चाय होती है, यहाँ तक कि अगर वो चाय भी पीते हैं ना तो वो भी उनको ठंडी पसंद होती है, मीठा ज्यादा खाते हैं। और जैसे कि आपने देखा है कि हर चीज ठंडी खाने की वजह से तो कफ की मात्रा उनकी बॉडी में ज्यादा हो जाती है, हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं। अक्सर हमारी अपर बॉडी कब हैवी होती है, कुछ लेडीज के आपने देखा होगा कि अपर बॉडी बहुत ही ज्यादा हैवी हो चुकी है। वो इसलिए होती है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है, उसकी वजह से हमारा एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो इनबैलेंस हो जाता है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो सारे हार्मोन रिलीज करती है। जब वो सही तरीके से चलेगी तो हमारी बॉडी में सारे हार्मोन बैलेंस रहते हैं। जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी आपके माइंड में कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या आप गोलियां खाते रहते हैं, बीमार ज्यादा रहते हैं, हमेशा लेटे रहते हैं, कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी है, या आपके पीरियड सही नहीं हो रहे उसकी वजह से चिड़चिड़ापन है, तो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है। आप बहुत ज्यादा अगर गुस्सा करते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, या आपका थायराइड जो यहाँ पे ग्लैंड होती है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, उसकी वजह से भी आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो इनबैलेंस हो जाता है। और जहाँ ये हार्मोन आपके इनबैलेंस हुए, अपर बॉडी आपकी हैवी होना शुरू हो जाती है, जरूरत से ज्यादा हैवी हो जाती है। उसको कम करने के लिए कुछ नहीं करना है, खाने पीने में आपको अच्छा खाना खाना है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज्यादा तेज गर्म भी नहीं, गुनगुना खाना खाना है, चाहे वो पानी हो, दूध हो, चाय हो, कुछ भी हो। अब इसके साथ ही ये जो वर्कआउट आपको बताने वाली हूँ ये करना शुरू कर देना है। आलसीपन बिल्कुल नहीं दिखाना, दिन में नहीं सोना है, रात को सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है। तो चलिए वर्कआउट किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से बैठेंगे, बिल्कुल नॉर्मल होके, रिलैक्स होके। अगर आप रिलैक्स नहीं है, किसी बात के लिए गुस्सा है, तो सबसे पहले 5 से 10 लंबी गहरी सांसें आंखें बंद करके ले ले और नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। ये आप खुद कर ले, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए सीधा वर्कआउट पे चलते हैं। सबसे पहले आपको सांस भरते हुए हाथों को इस तरीके से ऊपर खींचना है, ऐसे सांस छोड़ते हुए। ये एक्सरसाइज आपके हार्मोन को भी बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करती है? जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी सही तरीके से काम करने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेस कम होता है। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी बॉडी बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, कुछ भी आपको किसी बात की चिंता होती है, तो आपके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी का बैलेंस खराब होने लगता है इन सब चीज़ों से। तो कम से कम 20 रेपिटेशन जरूर करेंगे, 30 सेकेंड के लिए एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो सेकंड एक्सरसाइज में आपने हाथों को ऐसे रखना है, इस तरीके से, फिर वापस लेके आएंगे ऐसे, इस तरीके से हम करेंगे। थर्टी सेकंड के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर 20 से 30 रेपिटेशन आप कर सकते हैं, इस तरीके से। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आपकी पूरा अपर बॉडी पे। देखने में ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान सी लग रही है, लेकिन यहाँ ये पूरा एरिया जो आपका स्ट्रेच हो रहा है, आप करके देखिए, अभी करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा फील हुआ, इफेक्टिव लगी एक्सरसाइज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा और अपनी आर्म को खोलना है, इस तरीके से पीछे ले जाना है, ऐसे जितना आप पीछे ले जा सकते हैं, वापस ऐसे हाथों को घुमाते हुए इस तरीके से, फिर से पीछे, फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से, मतलब पहले हाथों को ऊपर करके और फिर हाथों को नीचे करके, ऐसे दोनों साइड में आपने ये करना है इस तरीके से। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है,
लेकिन पूरा अपर बॉडी का वर्कआउट है ये, आप करके देखिए। पूरा जो अपर बॉडी के मसल्स यूज हो रहे हैं इसमें। तो 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू और दिन में 2 बार जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे, इस पोजीशन में आ जाना है। अब आपको क्या करना है, अपोजिट हैंड को और अपोजिट लेग को इस तरीके से उठाना है। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जिनको अक्सर बैक पेन रहता है, या लेग में पेन जाता है, या कुल्लों में पेन रहता है, हिप में पेन रहता है। अगर ऐसी परेशानी है तो ये वाली एक्सरसाइज भाई सब लोग जरूर किया करें, और स्पेशल जिनको बेली फैट कम करना है या बैक फैट कम करना है, कमर के ऊपर फैट है जिनका, तो ये वाली एक्सरसाइज जरूर किया करो। आप इसमें होल्ड भी रख सकते हैं इस तरीके से, और इफेक्टिव बनाने के लिए 10 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड रखो और फिर ऐसे ही दूसरी साइड से करो इस तरीके से। 20 से 30 रेपिटेशन जरूर करें और दिन में 2 बार जरूर करें। और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आप लेट जाएंगे इस तरीके से, ऐसे हल्का सा आप उठेंगे इस तरीके से, एल्बो आपकी टिकी रहेंगी ऐसे, अपर बॉडी को उठाएंगे, एल्बो नहीं उठेगी आपकी, यानी आर्म सीधी नहीं होंगी। ट्वेंटी से थर्टी रेपिटेशन आपने करने हैं। जब ऊपर उठेंगे तो सांस भरेंगे, नीचे जाएंगे सांस छोड़ देंगे। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाथों को पूरा लंबा इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे ऐसे। अब आपको क्या करना है, ऐसे उठेंगे और एक एक आर्म को ऐसे पीछे की तरफ बेंड करेंगे, फिर वापस ऐसे वापस, और फिर नीचे लेट जाएंगे। कम से कम 10 रेपिटेशन करेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, हाथों को फिर से आप ऐसे ले आइए, यहाँ पे ले आइए। अब आप अपर बॉडी को ऐसे उठाएंगे, अब आप आर्म को स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से, कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड रखेंगे, नीचे आ जाएंगे फिर से, और एक लेग को ऐसे ऊपर उठा देंगे। जैसे आप नीचे आएंगे, एक लेग को आपने ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं इस तरीके से। फिर से अपर बॉडी को ऐसे उठा देंगे, जब नीचे लाएंगे तो अपोजिट लेग उठ जाएगी, मतलब वन बाय वन करके दोनों लेग्स को आपने उठाते जाना है इस तरीके से। तो 10 रेपिटेशन आपने करने हैं इस एक्सरसाइज के। दोनों लेग से करने के बाद एक रेपिटेशन होता है, ठीक है। जब अपर बॉडी को उठाएंगे तो सांस भरेंगे, जब नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे।
अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, ऐसे आर्म को स्ट्रेट रखना है, इस तरीके से ऊपर उठाना है और फिर पीछे लाना है, ऐसे वापस से आगे ऐसे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कम से कम आपने 10 रेपिटेशन करने हैं। जब आप उठेंगे सांस भरेंगे, पीछे लाएंगे सांस छोड़ेंगे, आगे लाएंगे सांस भरेंगे, इस तरह। तो करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने ऐसे इस पोजीशन में आना है, पैरों को मिला लेना है और अपने नीज को थोड़ा सा ओपन करना है। अब नीज के ऊपर बैठने की कोशिश करना है, ऐसे अप बिल्कुल अपर बॉडी को ऐसे खींचना है, हाथों को नहीं हिलाना है, पीछे नहीं करना है, इस तरीके से। फिर आपको ऐसे आगे लाना है, हल्का सा बॉडी को खींचना है और फिर वापस, इस तरीके से कम आपने 10 रेपिटेशन करने हैं ऐसे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी को बिल्कुल ऐसे खोल देगी, पूरा स्ट्रेचिंग भी आपको फील होगा और अगर पेन वगैरह है कहीं पे तो उसमें भी बहुत आराम आएगा, इस तरीके से ऐसे। तो जितने रेपिटेशन आप कर सकते हैं उतना करना है। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। लास्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से बैठना है, ऐसे आलती पालती लगा के इस तरीके से बैठ सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अब आपको हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है ऐसे। अब आप साइड में जाएंगे ऐसे, एक आर्म को आप ऐसे जमीन से लगाएंगे और दूसरी को आप ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेट करेंगे ऐसे, और उसके बाद घुमाते हुए ऐसे नीचे से निकालेंगे, वापस से ऐसे स्ट्रेट करेंगे और फिर सीधे हो जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड करेंगे। तो आप इस एक्सरसाइज के कितने भी रेपिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जितना आप ज्यादा करेंगे उतना ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप जरूर करिए। और इसी के साथ ही हमारा वर्कआउट समाप्त होता है, खत्म होता है। बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। अगर आपकी अपर बॉडी हैवी है या आपके हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं या आपको ऐसा लगता है आपका थायराइड बैलेंस में नहीं, थायराइड की समस्या है, तो वो वाले लोग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जब हमारी बॉडी का स्ट्रेस खत्म होता है तो हार्मोन बैलेंस होने शुरू होते हैं, तो उसमें एक नहीं सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाती है। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।